हेलो दोस्तों, आज जब मैं आपको स्वागत कर रही थी तब मेरे हाथ पे लग गई थी। फिर मैंने सोचा चलो फिर से स्वागत करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। आप सबको मेरे चैनल पे बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। तो फिर मैं यहाँ पे नाच रही हूँ, गा रही हूँ, क्योंकि आज मेरे दोस्त ने इतनी अच्छे से मुझे तैयार किया। तो मेरा मन तो यही कर रहा है कि मैं नाचती ही जाऊँ। फिर उन्होंने बोला कि मैंने आपको बहुत अच्छे से तैयार किया, तो आप मुझे एक महाराष्ट्रियन डिश बना दो। तो मैंने बोला चलिए उसके लिए चाहिए तबला। तबला बजाते हुए मैं बना दूंगी। बट मुझे कुछ महाराष्ट्रियन डिश आती नहीं, तो मैंने बोला मैं उनको एक स्नैक्स बना देती हूँ जिसका नाम है बड़े। उसके लिए चाहिए बहुत सारा धनिया। मैंने धनिया दो रखी थी और अब मैं इसको यहाँ पे डालूंगी कट करके। तो कट करके मैंने डाल लिया। उसके बाद चाहिए गार्लिक और हरा मिर्च का पेस्ट। फिर मैंने पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद इसमें डालूंगी 2 चम्मच बेसन। और बेसन डालने के बाद मैंने डाल दिया नमक, 2 चम्मच नमक डाल दिया। और फिर मैंने डाली साबुत, क्या कहते हैं उसे, जीरा, और जीरा पाउडर भी मैंने थोड़ा डाल दिया। फिर डाला रेड चिल्ली पाउडर। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला। और फिर मैं यहाँ डाल रही थी कॉर्नफ्लोर। ज़्यादातर लोग राइस फ्लोर डालते हैं बट मैं कॉर्नफ्लोर डाली और यहाँ पे मिक्स किया। कॉर्नफ्लोर डालने से बहुत अच्छा होते हैं, क्रंची हो जाते हैं। अभी मैं यहाँ पे सबको मिला रही थी तब मेरे दोस्त मुझे चिढ़ा रही थी, मेरा नेकलेस के बारे में बोल रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। अब यहाँ अच्छे से मिल गया है धनिया के साथ। तो फिर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि धनिया से पानी रिलीज़ होता है जब नमक डालते हैं। तो बहुत थोड़ा ही पानी डाली थी मैं। फिर इसको डो बनाऊँगी अच्छे से, एकदम अच्छे से मैं इसको डो बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा कपड़ा पहना था क्योंकि मेरे हाथ पे बार बार ये बेसन लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा कपड़ा चेंज कर लिया। तो मेरे दोस्त तो नाराज़ हो रहे थे, क्यों कपड़े क्यों चेंज कर रहे हो, क्योंकि उस कपड़े में साड़ी में काम करना बहुत मुश्किल है और ऊपर से गर्मी भी बहुत थी। तो फिर मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है गैस में। फिर मैं थोड़ा सा इसको उबालने दूंगी पानी को। तो तब तक मैं इसको तैयार करती हूँ। इसको ये दो को हाथ में पकड़ना है, छोटा छोटा पार्ट्स में लेना है। फिर इसको इस तरह से रोल रोल करना है और ये छोटा छोटा रोल करना है। फिर सब होने के बाद इसमें जाली में डालना है। तो बहुत टाइम लग जाता है बनाते बनाते, तो इसलिए मैंने दोस्त को बोला मुझे थोड़ा सा कपड़ा चेंज करने दो, क्योंकि साड़ी में इसको करना बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने यहाँ पे डो बना लिया। तो यहाँ पे इस तरह से बना लिया। फिर मैं लगा लूँगी गैस पे। फिर अगर ये पक जाएगा तो फिर मैं नमा दूँगी। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। और ये देखिए मेरा फूल, आपको क्या लगता है ये नकली है या असली है, तो आप ज़रूर बताना। फिर मुझे लगता है अभी 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है, तो अभी पक गया है शायद। इसको मैं थोड़ा सा देखती हूँ। हाँ, 5 मिनट लगते हैं पक गया है। मैंने चेक किया था पक गया, 5 मिनट से ज़्यादा हुआ है, 10 मिनट हुआ है। तो फिर मैंने यहाँ पे तेल लगाया। फिर तेल थोड़ा सा गर्म हुआ है तो मैंने फ्लेम कम कर दिया। फिर अब तेल गर्म हो गया तो मैंने ये डाल दिया। तो इसको अच्छे से तेल में पकाना है, डार्क ब्राउन होने तक। मेरा आज कलर इसमें आया नहीं क्योंकि मैंने हल्दी बहुत कम डाला, इसीलिए इतना कलर नहीं आया है। तो इस तरह से बनाते हैं बड़ी। और मुझे बड़ी पहले पसंद नहीं थी बट अभी घर पे बनाते हैं तो खाते खाते मुझे अच्छा लगने लग गया। सो इस तरह से मैंने बड़ी बनाया। फिर मैं अपने दोस्त को खिलाऊंगी, उसको पसंद आएगी कि नहीं, तो ये बताऊंगी कैसा हुआ है। आप सब बताना मैंने कैसे बनाई, स्पेशली जो महाराष्ट्रियन लोग हैं।
महाराष्ट्रन अगर देख रहे हो तो आप बताना बढ़िया सही बनाते हैं या कैसे बनाते हैं, या मैंने कुछ मिस्टेक्स किया है तो आप ज़रूर बता देना। अब ये डीप फ्राई हो गया है तो मैं यहाँ निकाल रही हूँ, अच्छे से तेल छूट जाए इसलिए मैं इसमें डाल के इसको तेल निकालूंगी, फिर ये से सबको निकालूंगी, फिर बचा हुआ फिर से डीप फ्राई करूंगी। अब मेरे बड़े बनके हो गए तैयार और मैं अपनी सहेली को इस तरह से खिलाए तो उनको बहुत पसंद आया और बोला बहुत अच्छा बनाया है। और मैं यहाँ पे नाचने गाने लग गई, यूजली मुझे नाचना गाना नहीं आते हैं बट आज हम दोनों बहुत बोर हो चुके थे इसलिए मैंने सोचा उनको इंटरटेन किया जाए इस तरह, तो इसीलिए मैं नाच रही थी गा रही थी। और जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी करना। आप बस वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।